कामाख्या प्रसाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। मैं पहली बार बोलने जा रहा हूँ, मैं सपोर्ट में बोलने जा रहा हूँ हम लोग का गवर्नमेंट जो बजट पेश किया। आई थैंक्स टू ऑनरेबल निर्मला जी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। प्राइम मिनिस्टर जो बोला है सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास, वो जीतने के लिए बजट रखा है। और मेरे को लगता है कि हम लोग फार नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, अभी भी एक वक्ता ने बोला है हम लोग का जब विश्वास जीता है मतलब पूरा वर्ल्ड का विश्वास जीता है ऐसा लगता है। मैडम मैं वो सीट पे आया हूँ जो यहाँ का एक मेंबर था जो प्राइम मिनिस्टर था 10 वर्ष। हम लोग को लगा नहीं 10 वर्ष यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हम लोग रिप्रेजेंट किया आसाम से, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि आसाम से कोई प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन बहुत दूर से गुजरात से आसाम से पूरा ऑपोजिट साइड से माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो कम से कम 20 बार से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट भ्रमण किया। उसके बाद ऐसा लगा कि नॉर्थ ईस्ट का आदमी का मन जीता है और हम लोग का महसूस हुआ क्या इंडिया का मेन स्ट्रीम का साथ हम लोग जुड़े हुए। पहले सब आदमी बोलते थे नागालैंड कहाँ है, मणिपुर कहाँ है, त्रिपुरा कहाँ है, पूरा एक्सट्रीमिस्ट प्रोन एरिया था। उसको अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसका भ्रमण से हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए। और हम लोग भाषण में देखा प्राइम मिनिस्टर ने न्यूयॉर्क हो या अदर स्टेट्स में जब विदेश में तभी नॉर्थ ईस्ट का नाम लेते हैं। मैडम मैं यहाँ जो बही खाता लेके निर्मला जी पहुँचे तब ऐसा लगा क्या सही में कोई इंडियन हम लोग का लेडी एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी हम लोग का मिनिस्टर बने और वो पेश किया। अनुराग जी भी है उसको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और स्मृति जी भी है वो भी बहुत काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर मिनिस्टर, फिर उनको भी हम लोग का बाद में हम लोग का हेल्प भी चाहिए। जो भी है निर्मला जी तो वो सीनियर है। मैं जो मैडम 30 जो फंडामेंटल गोल्स गवर्नमेंट ने दिया है उसको बिजनेस फ्रेंडली बनाने के लिए 30% से 25% बिजनेस हाउसेस उसको टर्नओवर 400 करोड़ का जो वेलकम स्टेप्स है उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। उसको लेके जो होम लोन है जीएसटी में है, जीएसटी का बात ऐसे बोलना चाहता हूँ मैडम, पहले ऐसा था आसाम में हम लोग रिपुन बोरा जी है आसाम में गेट ही गेट था एकदम आराम कूच बिहार से लेके 300 क्या तक पूरा रास्ते पे गेट था, अभी गेट उठ गया। उसका कारण से पूरा वहाँ पर महंगाई पे दबाव पड़ा और महंगी कम हो गया। और मेरे को लगता है क्या ये जीएसटी लाके हम लोग का गवर्नमेंट जो वन नेशन वन टैक्स का व्यवस्था किया है वो बहुत अच्छा है। रेलवे का बात बोल रहे हैं मैडम, अभी अरुणाचल का फ्रेंड्स भी है, नागालैंड का फ्रेंड्स भी है, इन लोग का स्टेट में भी रेलवे जाने का प्रावधान किया है और रेलवे में बढ़ोतरी भी किया है पैसा हम लोग का। वहाँ पर अभी डबल लाइनिंग का व्यवस्था भी है और इतना साल हो गया कभी हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रेन देखा नहीं था, अभी इलेक्ट्रिफिकेशन भी वहाँ पर हो रहा है मैडम। ये मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि आप बाकी यूपी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र इसमें तो बहुत आगे है, ये फर्स्ट नेशन काउंट्री जैसा है, फर्स्ट स्टेट है आसाम का इंडिया का, हम लोग पिछड़े थे। तो हम लोग का जब विश्वास जीता है तो ऐसा लगता है कि विश्वास अच्छा हुआ है और आदमी का मन में है कि हम लोग पिछड़ा नहीं है। मैडम ये बात बोल रहा है कि आप प्रॉपर्टी एलिवेशन मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं देखा, मैं लोकसभा में था, कितना हजारों घर में बिजली नहीं था, अभी वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है और जो जो जगह पे नहीं गया था वहाँ पर बिजली भी कनेक्शन हो रहा है। टी गार्डन का बात बोल रहे हैं मैडम, टी गार्डन में पहले सर चेयरमैन सर मेरा वहाँ पर बिजली नहीं था, बिजली का इतना प्रॉब्लम था, वो क्लस्टर मीटर लगा के टी गार्डन चलता था, इन लोग का गवर्नमेंट ने वो क्लस्टर मीटर लगा दिया था और बिल बहुत ज़्यादा थे। अभी सौभाग्य का स्कीम से ये बिल मीटर लगने वाला लग रहा है, वहाँ पर इंडिविजुअल मीटर इज कनेक्टेड इन एवरी हाउस होल्ड। दूसरा है सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा, वो जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात जो बोल रहा हूँ, यहाँ पर ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट मार्केट भी खुल जाएगा। हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट का बात बोल रहे हैं, ONC ऑयल इंडिया ऐसे ही है देने वाला, उससे अलग हटकर प्राइवेट सेक्टर में जब जब मिलने लगेगा तो यॉट लोग का जो यॉट का जो मन में मायूसी है वो खत्म हो जाएगा ऐसा मेरे को महसूस है और ये करने जा रहा है। सर जो $5 ट्रिलियन का बात बोल रहे हैं ये इतना आसानी से होगा, कोई एक वक्ता ने बोला ये इतना आसान भी नहीं है $5 ट्रिलियन ये हो जाएगा, ये केवल होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बजट पेश किया, मैं मैडम निर्मला जी ने जो बजट पेश किया इसको शुरुआत है। मैं लगता है कि बाद में ये
ये धीरे धीरे बढ़ेगा। एफडीआई का बात आप लोग डर रहे हैं, एफडीआई एफडीआई तो आप हम लोग का भला करने वाला है मेरे को लगता है, क्योंकि हम लोग का पास जो देखा वी हैव सीन, हम लोग का पास पैसा वाला आदमी खूब कम है, वो हम लोग लेने वाला है। बाद में देखिए, बहुत आंकड़ा सुना मैं आप लोग का तरफ से सुना हम लोग का, मैं स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मन में सुख होना चाहिए, सुख से जीना चाहिए, जैसे सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीने का बात बोल रहा है। ये मैं देख रहा हूँ यहाँ आदमी का मन में जब गैस मिलता है, जब बिजली मिलता है, जब पानी का बात बोलता है, तो आदमी का मुख में जब चेहरा बदलता है तो इसको गुड गवर्नेंस हम लोग को महसूस होता है। गुड गवर्नेंस का बात जो बोलते हैं, जो हम लोग नहीं खाऊंगा हंसते हैं आप लोग, हम लोग का अभी ऐसा लगता है कोई ऑफिस में जाने से आदमी मन प्रसन्न होकर आता है, क्या हम लोग को पैसा नहीं देना पड़ता है कम से कम। ये तो मोदी जी स्ट्रक्चरल चेंज का बात आप लोग बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंज में ये आ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज मीन्स व्हाट, क्या स्ट्रक्चरल चेंज का बात बोल रहे हैं आप लोग, मेरे को पता नहीं। वो स्ट्रक्चरल चेंज तो किया है, मेरे को लगता है कि स्ट्रक्चरल चेंज मोदी जी ने धीरे धीरे करेंगे, ये बजट ये शुरुआत है। और पानी का बात जो बोले आप सर, हम लोग का असम में अभी पानी बहुत है, लेकिन जब पानी चाहिए उस टाइम में पानी नहीं होता है, मैक्सिमम जगह जो प्लेसेस है वहाँ पर आर्सेनिक नहीं तो आर्सेनिक प्रोन एरिया है। अभी इसमें पाइप वाटर बहुत ज़रूरी है, जैसे गुजरात में किया है, मैं चाहता हूँ कि पूरा आसाम में और जो जो पानी का संकट है वहाँ पर ये जाए। सर मैं एक बात बोलता हूँ, बाकी तो बहुत है लोगों ने बोला है, हम लोग का फ्रेंड्स ने, मैं नॉर्थ ईस्ट पर आता हूँ। अभी ये एलिगेशन नॉर्थ ईस्ट फंड का एलिगेशन किया है 12,000 करोड़ रुपया, और पहले था वहाँ पर 47,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली था, अभी 59,369 करोड़ इसको हाइक किया है। वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट में जो बोला है उसमें 440 करोड़, पहले था 318 करोड़ पिछले साल। तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फार्मर्स वेलफेयर डबल किया है, उस पर भी 12,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा उसको डबल किया है 6,000 से। डोनर बजट इज नाउ फिक्स्ड एट 3,000 करोड़, हम लोग डोनर का बात बोलते हैं, आज भी मिनिस्टर ने बुलाया है। डोनर ओनली डोनर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, ऑल दी मिनिस्ट्रीज, जितना मिनिस्ट्रीज है उस वो भी रेस्पॉन्सिबल है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सब मिनिस्टर को बोला है, आप जानते ही हैं, हर 15 दिन पे कोई ना कोई मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट पहुँचते हैं। ये एक नया शुरुआत है, ऐसा नहीं है कि आप हेडक्वार्टर में पहुंचना चाहिए। मैं नॉर्थ ईस्ट का बात इसीलिए बोल रहा हूं, जैसे आप दूसरे जगह पे पिछड़ा हुआ जगह है उससे ज़्यादा हम लोग महसूस करता है, इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज़्यादा हो गया। एक्सट्रीमिस्ट ये विश्वास आने का बाद अभी एक्सट्रीमिज्म बहुत नियंत्रित है। और देखिए, जो हम लोग का एक फ्रेंड ने बोला, हम लोग का ऑटोनॉमस काउंसिल में भी पैसा दिया है, मैं चाहता हूँ क्या जैसे हर घर में बिजली हो, बहुत बाकी भी है, अरुणाचल बहुत दुर्गम है अभी, अरुणाचल नागालैंड मणिपुर इसमें भी काम बहुत बाकी है, ये काम इलेक्ट्रिफिकेशन गैस PMY जो अभी सर ऐसे जो इन लोग बोलते हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है क्या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन कंजम्पशन ये नेट प्रॉफिट पे आते हैं, जो इकोनॉमिक्स का थ्योरी है, इसमें बजट में ये पूरा रिप्रेजेंट किया है, मेरे को ऐसा लगता है और लगता नहीं है, महसूस भी हुआ है, सब आदमी बोलने लगा है। सर एक बात है, फिस्कल डिफिसिट और इंटरेस्ट रेट, इसको आप लोग इकोनॉमिक्स का थ्योरी से कैसे बोले पता नहीं, लेकिन ये गवर्नमेंट जब शुरू हुआ है, हम लोग मोदी जी जब गवर्नमेंट अभी प्राइम मिनिस्टर है, 5 साल चलाने वाला है, ये किसी कारण से इकोनॉमी इधर उधर होने नहीं देगा, ये पूरा विश्वास है सबका साथ, सब आदमी हम लोग का विश्वास है। आप लोग विश्वास नहीं करता है वो आप लोग का बात है, कोई विरोधी विश्वास नहीं करते मेरे को पता नहीं। सोशल सिक्योरिटी जो है, आयुष्मान भारत इसमें तो आप बोल रहे हैं हेल्थ सेक्टर में आयुष्मान भारत ने बहुत काम किया है, अभी आदमी का मूड हॉस्पिटल जाने से वो कार्ड लेके जाने से बहुत आनंदित होता है। आसाम में अटल अमृत कार्ड किया है, 6 बीमारी का 8 बीमारी का वो अपन इंक्लूड भी किया है। और अफोर्डेबल हाउसिंग देखिए, IOI घर, मैं दिशा का चेयरमैन था, 37,000 एक साल पहले 37 घर को अभी उसका खाता बंद करना पड़ा, क्योंकि वो बना ही नहीं कभी, करप्शन से वो बंद नहीं बना। किसको मिलता है IOI घर? अभी PMI घर जाइए, देखिए PMI घर अफोर्डेबल हाउसिंग कितना अच्छा है, उसको देखने में अच्छा लगता है। अब ये PMI घर ने एक नया एक दिशा भी दिया है। सर मैं ये और दूसरा एक बात ध्यान लेना चाहता हूँ, स्मृति मैडम भी है, फाइनेंस मिनिस्टर का साथ बात भी हुआ है, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल का बहुत यहाँ पर हम लोग का वहाँ पर बहुत ये है महत्व है। मैं चाहता हूँ क्या हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, टूरिज्म और रोड्स, इसमें हम लोग का गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे, और हम लोग का जो विश्वास जीतने का बात
पूरा इंडिया में क्या है, कई जगह पे मैं नहीं सुना कि अब मोदी जी का गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किया है एक्सेप्ट दी अपोजिशन, बाकी सब लोग बोला है नहीं, हम लोग का रास्ता दिखा है। पूरा $5 ट्रिलियन का बात जो बोल रहा है वो $10 ट्रिलियन का बात आप लोग सोचिए, तब इंडिया पूरा आगे जाएगा, ये बात आ रहा है। हम ज़्यादा नहीं बोलते हुए, आसाम में जो जो हम लोग काम लिया है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरे को लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आसाम से रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे मेरे को महसूस होता है, क्योंकि मैं जो सीट से आया हूँ वो पहले वाला पिछले वाला प्राइम मिनिस्टर का सीट से मैं जीत के आया, ऐसा लगता है कभी हम लोग प्राइम मिनिस्टर देखा ही नहीं था, मैं हम लोग सोच भी नहीं सकता था कि 20 बार से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर हम लोग वहाँ जाते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर जो कॉमर्स मिनिस्टर थे वो भी हम लोग का वहाँ जाते थे, स्मृति जी, हर मंत्री, अभी सेंट्रल मिनिस्टर को ऐसा लग रहा है कि वो आसाम का ML है, वो पहुंच रहा है, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूं जो सबका साथ सबका विश्वास ये जीने हुए है, हम लोग पूरा गवर्नमेंट का ये बजट जो है इसको सपोर्ट करते हुए फिर मैं उम्मीद रखता हूं कि ये क्रांतिकारी एक परिवर्तन लाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद।